सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर टेक कंज्यूमर में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गेमिंग मॉनिटर्स के ऊपर। एंड ये मॉनिटर्स जो है अभी अमेजन पे जो सेल चल रही है उसके ऊपर है। इवन जब ये सेल खत्म हो जाती है तब भी आप इन मॉनिटर्स को चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे मॉनिटर्स हैं। तो मैंने इनकी एक शॉर्ट लिस्ट करे हैं एंड जो अभी मॉनिटर बता रहा हूँ वो सेल पे भी मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्राइसेस में भी हैं एंड मॉनिटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इन मॉनिटर, अगर आप एक गेमिंग मॉनिटर या फिर डेली ड्राइवर या फिर किसी अदर पर्पज़ फॉर एडिटिंग एंड काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए भी अपने मॉनिटर को ढूंढ रहे हैं तो ये लिस्ट आपके जरूर काम आएगी। इस लिस्ट को चेक कर लीजिए एंड अगर आप कोई मॉनिटर परचेज कर सकते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेज करेंगे तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे, अगर आप परचेज करने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे लिंक के थ्रू ही परचेज करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड गाइज, मैं बता दूँ मैंने यहाँ पर जो लिस्ट बनाई वो असेंडिंग ऑर्डर बनाई है। साथ ही साथ मैं थोड़े बहुत इस डिस्कस को भी फीचर करूँगा मॉनिटर्स के, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, आपको सारा कुछ नॉलेज जो है मॉनिटर से रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड गाइस, मैंने जो सेल में और भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर, लाइक स्मार्टफोन, मदरबोर्ड, सीपीयू एंड मैंने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे भी एसेसरीज के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है। तो उन सब का प्लेलिस्ट का बटन आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा एंड आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, शायद आपके काम में कुछ चीज़ आपको मिल जाए तो वो सब भी है। तो वीडियो को फिलहाल फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहले हमारा मॉनिटर हमारे सामने आ रहा है वो LG का ये 22 इंच का गेमिंग मॉनिटर है एंड 75 हर्ट्ज का है। बट यहाँ पे जो पैनल देखने को मिल रहा है हमको TN पैनल है, बट इसकी प्राइस हिसाब से बहुत लो है, 6299, काफ़ी लो प्राइस पे है। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर वो केवल गेमिंग से मतलब है तो आप इस मॉनिटर को ज़रूर चेकआउट करते हैं, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है ये। एंड जो हमारा अगला मॉनिटर है वो है सैमसंग का 21.5 इंच का, आप इसको 22 इंच का भी कह सकते हैं। एंड ये मॉनिटर मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने परचेस करा था तो मैंने इसकी एक सेपरेट अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो अगर आपको ये वाला मॉनिटर परचेस करना है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी मैं बता दूं इसके जो मॉनिटर के बेजल्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी क्योंकि मैंने पर्सनली यूज़ करा है। एंड गाइज, ये IPS पैनल पे है इसलिए थोड़ा सा महंगा है, यह 7499 का, इसमें डील काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ पे ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, आप पिछले मॉनिटर में भी ऑफर्स वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर्स देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये और भी ऑफ मतलब आपको 6000 तक का पड़ सकता है, मे बी कुछ केसेस में आपके पास अगर कोई ऑफर वगैरह है और नहीं मिल लग पा रहा किसी कार्ड वगैरह का ऑफर कैशबैक वगैरह तो भी आपको मतलब ठीक ठाक डील मिल जा रही है यहाँ पे। सेम गोज फॉर दिस एंड बाकी सारे मॉनिटर्स के लिए भी आप ऑफर वगैरह को चेक कर सकते हैं जरूर। तो आपको ये मॉनिटर 7000 कैसे मिल जाएगा, तो मैंने स्टूडियो में बोला था कि आपको मॉनिटर बहुत सस्ता पड़ सकता है सेल का अगर आप वेट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ये मॉनिटर फिलहाल काफ़ी सस्ता हो गया है तो आप इस मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है एंड वीडियो को जरूर चेकआउट कर लिएगा वो अगर आपको अगला मॉनिटर लेना है। तो अब अगर हम आगे पढ़ते हैं अगले मॉनिटर की तरफ, तो हमारा जो अगला मॉनिटर है वो LG का 822 इंच का सेम साइज़ का है IPS मॉनिटर है एंड इसमें भी इसकी भी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। सेम इसमें थिन बेजल्स का डिज़ाइन वगैरह दिया है बट ये उससे थोड़ा सा महंगा है, 500 रुपये ज़्यादा, सो 7999 का 8000 का है। एंड आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑफर हैं तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ये मॉनिटर भी काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। तो भाई अब बढ़ते हैं हमारे अगले मॉनिटर की तरफ, तो जो हमारा अगला मॉनिटर है ये है Acer का KG24। तो गाइस, ये 24 इंच का मॉनिटर है एंड सबसे बड़ी बात ये 144 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है। एंड गाइस मैं बता दूँ, शायद ये TN पैनल पे है, IPS पैनल पे नहीं है इसलिए इतना सस्ता है। एंड अगर आप इसमें ऑफर्स वगैरह लगाएंगे तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, तो आप समझो आपको 8-9 हज़ार रुपये में, 9-10 हज़ार रुपये के अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ का TN पैनल का गेमिंग मॉनिटर देखने मिल रहा है। तो अगर आपका पर्पज़ केवल गेमिंग है और आपको कलर करेक्शन और एडिटिंग वगैरह से मतलब नहीं है, कलर्स पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, वैसे कलर्स इसके भी अच्छे हैं बट उतना एक्यूरेट कलर नहीं आते आपको पता है TN पैनल में, तो ये केवल गेमिंग से मतलब है तो आप इस मॉनिटर को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉनिटर है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा अगला मॉनिटर Acer का। एंड जो अगला हमारा मॉनिटर है वो है सैमसंग का 24 इंच का एंड ये गाइस कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर है, ये भी काफ़ी हिट मॉनिटर है कह सकते हैं, काफ़ी लोगों ने इसको परचेस करा मैंने देखा है एंड काफ़ी अच्छा गेमिंग मॉनिटर है। एंड आई गेस शायद ये IPS पैनल पे, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ कि IPS पैनल पे है नहीं। एंड नीचे जाते हैं तो यहाँ पे LCD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इसलिए, अब इसका मुझे मतलब पता नहीं कि IPS है TN क्या है तो मैं देखता हूँ, बट फिर भी इसकी जो क्वालिटी वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी है शायद इसी वजह से, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे थे उसके। तो ये मॉनिटर जो है काफ़ी अच्छा, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, अभी प्राइस वगैरह सही चल रहा है इसका, तो ये आपको 11-12 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा एंड ये भी आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो काफ़ी अच्छा मॉनिटर है ये। एंड जो हमारा अगला मॉनिटर है वो है LG का अल्ट्रा गेयर 27 इंच का IPS डिस्प्ले, तो ये IPS है गाइज एंड इसके कलर्स वगैरह
वगैरह बहुत अच्छे हैं, बेजल्स वगैरह बहुत स्लीक हैं, जो लुक वगैरह हमको अचीव होता है बहुत प्यारा लुक अचीव होता है। मैं क्या ही कहूँ आपको, मैंने मॉनिटर देखा हुआ है, बहुत अच्छा मॉनिटर है, वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स में से है इस प्राइस रेंज में, एंड आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ जाएगा इस सेल में, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अगर देखेंगे यहाँ पे आपको HDR 10 का सपोर्ट मिलता है, तो जो आपको कलर क्वालिटी मिलेगी, मतलब आप समझ रहे हो ना, गेमिंग भी कर लो, 1ms का आपको रिस्पॉन्स टाइम भी मिला, 144Hz भी है, प्लस ये पाइवेट भी है, मतलब पूरा ये टिल्ट हो जाएगा, घूम जाएगा, पाइवेट हो जाएगा, तो ये काफ़ी कुछ है आपको फीचर्स मिल रहे हैं इसमें। एंड जो कलर वगैरह है तो वो भी काफ़ी अच्छे, क्योंकि यहाँ पे 24 इंच के थे, यहाँ पे आपको 27 इंच के, जो साइज़ भी है वो भी काफ़ी अच्छा मिला, तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी बढ़िया डील है। तो अगर आप एक 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर ढूंढ रहे हैं और सबसे बड़ा जी सिंक के साथ है, तो अगर आप एक एनवीडिया कार्ड यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे वाली चीज़ है यहाँ पे। तो ये डील मेरे सबसे वन ऑफ द बेस्ट डील में से है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है sRGB 99%, तो ये कलर भी काफ़ी अच्छे आपको निकाल के देगा। तो ये मॉनिटर वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है, आप इसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप उसमें इस मॉनिटर को। एंड गाइस जो अगला मॉनिटर आ रहा है वो सैमसंग की तरफ से सी रहा है, एंड ये सैमसंग का ही 27 इंच का मॉनिटर है, बट गाइस ये क्वाड HD मॉनिटर है, एंड ये आपको आई थिंक 2K का रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगा, एंड ये आपसे आई थिंक 1100 मतलब ये हाँ 1080 का रेजोल्यूशन आपको सपोर्ट करेगा। चेक कर लेते हैं तो रेजोल्यूशन के अगर हम नीचे देखेंगे आई गेस ये 1080 हाँ, तो ये फुल HD है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का भी इसीलिए चेंजमेंट है हाँ, तो यहाँ पे आपको 23,000 रुपये के आसपास देने पे करने पड़ रहे हैं, बट वही है ऑफर्स में आपको और सस्ता पड़ जाएगा। तो आप समझ आप देख लिए, आपको एक 2K के रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर देखने को मिलेगा, एंड इसके कलर वगैरह भी अच्छे हैं, बट ये IPS पैनल पे आई गेस वही LED पैनल इन्होंने यूज़ करा है यहाँ पे भी, तो ये भी काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। अगर आप सैमसंग के फ़ैन हो तो आप इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो गाइस ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर्स एडिटर्स के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, 27 इंच का 4K है मॉनिटर है, एंड यहाँ पे अगर आपको 4K मॉनिटर इसी प्राइस रेंज के आसपास मिल जाएगा अगर आप कूपन वगैरह या फिर जो भी आपका कार्ड वगैरह लगाएंगे तो, एंड ये MD FreeSync के साथ आता है। मैंने इसका बड़ा भाई UK 850 यूज़ करा है, वो मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉनिटर है, एंड वो भी 4K का है, बहुत अच्छा मॉनिटर मैंने पर्सनली यूज़ करा है, मैंने इसकी भी चैनल पर अनबॉक्सिंग करी है, तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, एंड ये मॉनिटर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपका गेमिंग के साथ साथ अगर आप एक एडिटर भी हैं, फ्रीलांसर हैं मेरी तरह, तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं, आपको एक्यूरेट कलर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट कलर चाहिए, तो देखा यहाँ पे लिखा भी है गेमिंग एंड डिज़ाइन, तो ये मॉनिटर आपकी पूरी तरीके से फुलफिल कर देगा सारी की सारी रिक्वायरमेंट उस तरीके की। तो आपका अगर बजट इतना है तो आप इस मॉनिटर को जरूर चेकआउट करिएगा, एंड मैं कहूँगा आप परचेज भी कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा मॉनिटर LG का ये। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मॉनिटर तरफ है, तो ये Acer का नाइट्रो IPS मॉनिटर है, 144Hz का रेजोल्यूशन है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 144Hz नहीं देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे भी यहाँ मिल रहा है 144Hz का, तो गेमिंग का है बट यहाँ पे आपको 144Hz का रेजोल्यूशन नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो गाइज ये जो अगला मॉनिटर है ये हमारा 144Hz का है, एंड ये भी काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, बट आप देख लो अगर आप Acer के फ़ैन हो तो इस प्राइस पॉइंट पे देख सकते हो, इसको चेकआउट कर सकते हो, मैं चाहता तो नहीं बोलूँगा बट अच्छा मॉनिटर है ये भी। और ये भी आपको बता दूँ ये 4K नहीं है, ये 2K रेजोल्यूशन है, 2K का रेजोल्यूशन है, बट आपको यहाँ पे एक IPS डिस्प्ले देखने को मिल रही विद AMD FreeSync, तो अगर आपके पास AMD कार्ड है तो आप इस मॉनिटर को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मॉनिटर है इस चीज़ के लिए। एंड जो अगला मॉनिटर आ रहा है वो आ रहा है इस BenQ की तरफ से, तो BenQ शायद बहुत लोगों को शायद नहीं पता है जो इतना नहीं जानते हैं, बट BenQ एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो प्लीज़ उसको ऐसा मत समझने की कोई ऐसी वैसी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत हाई क्लास मॉनिटर्स बनाती है। तो इसका एक मॉनिटर है ये 33,990 का है, मतलब 34,000 के आसपास का है, एंड ये भी क्वाड HD आपको 1440p पे, सॉरी आपको 4040p पे IPS चैनल पे 144Hz की गेमिंग करा लेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा मॉनिटर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग गेमिंग में मैंने देखा काफ़ी सारे लोग ये यूज़ करते हैं मॉनिटर, तो अगर आपको इस तरह का मॉनिटर चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं। एंड हमारे लिए इसका जो आखिरी मॉनिटर है वो है Asus का टफ गेमिंग। गाइस ये मॉनिटर वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर में से एक है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉनिटर है, एंड इसमें और भी वेरिएंट आते हैं, तो अगर आप एक Asus के फ़ैन हैं, बट मैं वैसे बता दूं मैं भी फ़ैन हूं Asus का, और ये मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये ओवरक्लॉक होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना 165Hz तक, तो गाइस वाला जो मॉनिटर है वो 165Hz तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं, बट बेसिकली ये सब मतलब बेसलाइन 144Hz पे चलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, एंड ये 2K मतलब आपको 1440p तक की गेमिंग आराम से करा देगा, एंड 2K गेमिंग भी करा देगा, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स दिए हैं, तो ये वाला मॉनिटर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारी पूरी लिस्ट जो है
मॉनिटर्स की तैयार हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर कुछ भी आप परचेस कर रहे हो तो गाइज नीचे जो डिस्क्रिप्शन से लिंक दिए हैं उनसे ही परचेस कर लेना। नहीं मॉनिटर अगर कुछ और भी परचेस कर रहे हो तो आप किसी भी लिंक के थ्रू जाके कोई दूसरी चीज़ को परचेस कर सकते हो, चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, अभी तो सेल चल रही तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे डेटा मैंने निकाल रखा था, तो सेल से रिलेटेड सारे वीडियोस बना दे रहा हूँ। एंड आप सारे वीडियोस चेकआउट कर लो, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि जैसे और वीडियोज़ आएँ तो आप उसको मिस ना करो। एंड मैंने बहुत डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ बना रखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लेना। एंड गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड आल्सो द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।